हेलो नहीं, मैंने पहले फोन मिलाया था, फिर आपने उठाया नहीं था, फिर मैंने सोचा कि कोई काम आम में लग रहा है आज। वो क्या है ना, क्या है, वो था जन्मदिन था। अच्छा अच्छा कोई पोते का है? पर पोते का। अच्छा अच्छा अरे बहुत बढ़िया। फिर वो क्या 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 घर पे क्या क्या बनाया रसोई? वो छोटा भाई का परसों का था, तो दूसरी जगह रहता है राम की। अच्छा जो उधर जाके आए थे क्या? उधर जा करके आकर के फिर दवाई लेकर के फिर आपसे बात करा। अरे बहुत बढ़िया। तो क्या 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 रसोई बनी थी उधर? रसोई बनी थी वो क्या नाम से केसर बाटी, क्या नाम से वो चूरमा और बाटी दाल, तीन तरह की सब्जी। आनंद आ गया देवता। अपन तो देखो एक बाटी और बस वो ही खाया है, बस मुझे खराब खराब होती है। जो आदमी की खराब होती है वो दिखाता है। कितनी कितनी बढ़िया रसोई बना। रसोई बहुत बढ़िया थी, लेकिन मेरे को वो चिखलाई पकती नहीं है ना, इसलिए मैं थोड़ा सा बस भाई चलो अपने थोड़ा सा कर लेते हैं भाई। ऐसे नहीं कहेंगे भाई दादाजी रोटी नहीं खाती गई। हाँ नहीं बढ़िया, लेकिन प्रोग्राम बढ़िया बढ़िया रहा। लेकिन सौ पचास आदमी आ गए थे क्या? है ना, 150 आदमी तो आए गए होंगे। वही आते घर के आस पास के उनके उनके कॉलोनी वगैरह के उनके हो जाते हैं। बच्चे बच्चे बड़े बड़े सही 150 आदमी तो हो जाते हैं। कॉलोनी वगैरह की उनके खुद ही 100 आदमी की तो रसोई बनी होगी। फिर है जो बहन बेटी आ गई। हाँ तो 40 तो हमारी बहन बेटी है। हाँ तो भैया तो दो सौ आदमी मान लो, 200 आदमी का रसोई मान लो। हाँ 200 बैठी होती। हाँ लेकिन बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम रहा आराम से। कोई तो सुबह जल्दी चले गए? हाँ जल्दी चले गए 2 बजे। अच्छा हाँ 2 बजे से सुबह का खाना यहाँ खा के चल गए होंगे। फिर वहाँ चार तीन तीन चार पहुँच गए होंगे और क्या? नहीं वो तो 5 मिनट का तो रास्ता है मोटरसाइकिल में, तो नहीं लगती। अच्छा अच्छा हाँ तो रास्ता उससे बस स्टैंड तक। जब 2 बजे पहुँच गए होंगे। नहीं बढ़िया है। फिर थोड़ा बहुत रुक के मिल मिला के आ गए और क्या रिश्तेदारी में मिल मिला के फिर उनको खाना खिलाया। फिर वो क्या नाम से डीजे जे लग रहा था तो बच्चे का जन्मदिन मना रहा है। अरे वो जन्मदिन का तो वीडियो बना रहा था तो बढ़िया रहता। हमारे उस वीडियो में छोटे बच्चे बच्चों का डांस वगैरह बना देता आप सोचे थे तो, लेकिन आपके पास बड़ा मोबाइल नहीं है। हाँ कोई मतलब ना, कोई बात नहीं है तो, अपने तो मेरा तो चल रहा है चैनल बढ़िया आराम से। आज ये सब्सक्राइब भी बढ़ गए थे, डेढ़ सौ से ऊपर पहुंच गए। तो मैं विश्वास बन जाता हूँ, लेकिन तसल्ली नहीं रहती है। हाँ नहीं डेढ़ सौ से ऊपर पहुंच गए और बढ़िया ठीक ठाक। बीच में कभी कभी गाड़ी रुक जाती है ना, आगे विचार थोड़ा सा चिंता करने लग जाता है भैया अपना ये भी चैनल भी बनाया है, ये भी नहीं चलेगा क्या? हाँ नहीं
अब मेहनत का तो फल मिलता ही है। देखो अब मेहनत मेहनत करेगा आदमी ईमानदारी से। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि आप मतलब क्या नाम से फल का इंतजार मत करो, आप मेहनत करती रहो। नहीं ये यू आर राइट। मैं कह रहा हूँ आज मैं अरे प्याज लेके आया था। अच्छा वो तो वाले प्याज के साथ 20 रुपए मतलब 20 रुपए का पाव बोले उसने। अच्छा 80 रुपए किलो। हाँ हाँ तो फिर मैंने बोला 15 का लगा दे, लेकिन उसने बोला कि नहीं 20 क्या है। फिर मैं तो लिया है, मैंने सोचा और सब्जी भी भिंडी भी मुरझाई हुई थी वगैरह। फिर मैंने सोचा खाना तो अपन एक टाइम खाते है तो भर पेट के दुखाएंगे। जो फिर वो मैंने 50 का नोट पकड़ा है उसको सब, तो उसने आंवले भी पूछा था मैंने आंवले के लिए, तो उसने बोला कि पहले 20 के बताए 20 के पाव। मैंने कहा कि मैं बाद में ले लूंगा आंवला, तो अभी तो इसके प्याज के पैसे काट लो 20 रुपए कि फिर वो 15 में ले जाओ पाँव पर। फिर 10 लगा दिए उसने, फिर उसने जबरदस्ती तोड़ दिया। मैंने कहा चलो ठीक है। जो फिर आंवला को बना लिया मैंने, तो आंवला भी बढ़िया बनी और प्याज की सब्जी भी काफी टाइम बाद में खाए ना तो बढ़िया लगी। उसमें टमाटर डाल दिया था, एक टमाटर डाल दिया और एक हरी मिर्ची डाल दी थी जो बढ़िया। अरे प्याज की सब्जी भी बढ़िया लगती है, फिर तो वो तो टेस्टी हो गई। हाँ टेस्टी हो गई और पेट भर गया आराम से। और फिर वो आंवले का भी अचार है, लेकिन उसमें क्या है मैंने प्रेशर कुकर में बनाया था ये आंवले का था। तो इसमें अब ये मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि भाई उसको ढक्कन बंद करके रखे तो वो खराब हो जाएगा या थोड़ा खुला छोड़ के रखे। मैं तो बंद करके रखना पड़ेगा उसको। अरे बंद में भी कोई दिक्कत नहीं है, तो तेल पानी तो डाला नहीं है इसमें। ऊपर है ना ऊपर वो क्या आचार है ना आचार के ऊपर कम से कम मतलब 1-2 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए तेल तरा हुआ होने से। मतलब नहीं आचार नहीं है तो साथ के साथ पानी वाला बनाता हूँ ना, ये आंवले का बनाते है ना पंगर में वो वाला। वो वाला बनाया तेल तो ज्यादा डालने की ऐसी जरूरत है नहीं, जैसे बनाया तो थोड़ा खुला छोड़ दिया। थोड़ा एक दो घंटे से बंद था, फिर मैंने अपने दिमाग में आया कि बंद में हो सकता है कि थोड़ा ये खराब हो जाए। नहीं इसको खुला छोड़ दो थोड़ा सा। हाँ 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 ये खुले में खराब नहीं होगा थोड़ा। वो तो दूध रहता है ना दूध को गर्म करके जब जमाते हैं ना, मतलब नहीं जमाते हैं ना अपने को दूध का दूध ही चाहिए सुबह चाय के लिए। हाँ मतलब दूध आ रही तो उसको छोड़ा था ढक्कन को केतली के ढक्कन को खुला छोड़ करके और ऊपर खोटी के टांग देते हैं सुबह तैयार मिलेगा, न तो फटेगा और न बेकार होगा। नहीं सही है। हाँ देखो अब ये आंवले का अचार भी बढ़िया लगा, मैंने साथ के साथ बना लिया था उबाल के और फिर कढ़ाई में सब्जी तो कढ़ाई में बनाता हूँ मैं। हाँ। लोहे की कढ़ाई ना तो बनाता हूँ उसमें टेस्ट की लगती है कढ़ाई में। भगोनी में वगैरह में नहीं बनाता मैं, भगोनी में तो दूध वगैरह गर्म करता हूँ दूध और कॉफी। मैं तो कढ़ाई में ही बनती है मेरे तो सब्जी और ये जैसे तो ये कढ़ाई में उस हिसाब से बनाता हूँ मैं तो देसी तरीके देसी खाद से। हाँ जो वो बढ़िया तेल वगैरह डाल के और थोड़ा सब्जी फिर उसमें आंवले के अचार में मैंने क्या है पांच सात छोटे छोटे लहसुन भी छील के डाल दिए थे जो वो मैंने याद आ गया मैंने सोचा यार हमारी मदर भी डाल दी थी जैसे लहसुन तो उसमें क्या है थोड़ा फिर मैंने थोड़ा ये टेस्ट किया था सब्जी तो थी वो प्याज की वो फिर मैंने सोचा थोड़ा आचार भी बन गया तो आचार भी ये लेके देख लेते जो बढ़िया बना वो हल्की सी सौंफ डाल दी तो थोड़ी सी दाना मेथी डाल दी। बढ़िया काम हो गया। मिर्ची तो कम ही डाली मैंने नमक कौन सा डाला
नमक वो हल्का सा तो सादा नमक डाल दिया, हल्का सा वो काला काला नमक डाल दिया। दो दो तरह को दो दो नमक है, पहले सेंधा था जो सेंधा अब लाओ भी नहीं, वो मेरे अब काम में भी नहीं आता जो अब ये एक तो सादा नमक है और एक ये काला नमक है जो ये थोड़ा सा ये रायते वगैरह में भी डाल लेता हूँ तो ये हल्का सा काला डाल लिया मैंने नमक। हल्का सा टेस्ट बढ़ जाता है जो फिर मैंने वो सादा नमक तो डालना ही पड़ता है देखो सादा नमक तो फिर मैंने थोड़ा सा वो डाल दिया काला नमक, मैंने सोचा कि चलो ये डाल देते हैं फिर अब बढ़िया काम हो गया। जब अब मैंने सोचा पहले तो यार अपन जबरदस्ती दे दिया आंवला और अपन लाए दे रहे थे खराब हो जाएगा अपने, फिर मैंने थोड़ा आलस नहीं किया, मैंने सोचा बना लो अब दे दी दो तो फिर मैंने फिर बनने के बाद मैंने कहा बढ़िया किया वो उसने अपन आंवले का तो चलो थोड़ा सा सब्जी के साथ आंवला भी अचार भी ले लेंगे तो बढ़िया रहेगा। और तो ये रहा फिर अब सब्जी बहुत महंगी आ रही है, कल 40 रुपए की गोभी लाया था, फिर मेरे क्या जो पसंद इच्छा हो जाती है चलो आज अब एक टाइम खाना खाता हूँ तो फिर मैं उसी हिसाब से ले आता हूँ सब्जी। फिर आज वो हरे प्याज दिखा है मैंने दिख गए जो फिर मैंने सोचा आज हरे प्याज की बना लो अब बड़ा बोलते ना तो फिर वो कम पैसे नहीं करते तो फिर ले आता हूँ मैं तो अब पहले तो लाता नहीं था मैं लेकिन अब लिया था। मैंने सोचा भैया अपन बाजार की चीजें तो बंद कर दी अपन ने पेट भर के रोटी तो खाओ। हाँ तो ऐसे ऐसे मैंने सोचा बढ़िया तो आंवला तो अब हम चालू हो गए आप भी लिया ना फिर दिवाली बाद भी लिया था। हाँ दिवाली बाद में होता है सीजन अभी तो क्या चल ही रहे थे थोड़ा महंगे भी सीजन तो इसका होता है था लेकिन आ, आ, लेकिन मिलने लग जाते दिवाली मतलब वो आने तो दूसरे ना अचार वाले वो क्या नाम से वो गालते है ना क्या बनाते हैं उसका मुरब्बा वो बड़े वाले हैं छोटे वाले नहीं मेरे तो ये छोटे वाले ही आए थे मतलब ज्यादा बड़े भी नहीं छोटे ये बढ़िया बढ़िया अचार बनता है छोटे वाले ये जो फिर मैंने तो देसी और वो दूसरे वो जिसको क्या बोलते हो बड़े वाले अंग्रेजी खाद के होते हैं भाई। मैं तो ये छोटे ठीक ठाक साइज ये ज्यादा छोटे भी नहीं है तो ये अचार बढ़िया बन गया। मैंने तो थोड़ा बहुत एक दो चम्मच लिया था जो अब क्या है आंवले का अचार क्या है जैसे दो तीन दिन बाद में मीठा थोड़ा सही हो जाता है अब बनाते टाइम खुद बनाते ही खाओ ना तो उससे भी फिर दूसरे दिन अच्छा जाना दो तीन दिन बाद में जाना अच्छा लगता है और फिर आंवले का अचार उसमें क्या होता है कि बनाते हुए अगर आप ताजा खाओगे ना तो उसमें जो आंवला जो है ना आंवला की कली उसके अंदर वो पूरा रस जा नहीं पाता है वो अंदर बाहर से मीठा और बाहर अंदर से फीका लगता है। अब फिर दूसरा दिन खाओगे ना आप तो ज्यादा बढ़िया लगता है और ये और फिर पानी पियोगे तो फिर मीठा लगता है पानी मीठा लगता है। जो मैंने क्या पाव बढ़िया है अपन तो लिया है जब आज अब कल अब ये मुरब्बा है ना आंवले का बनता है ना मतलब खूब गल जाता है उसके बाद में है जो एक जीव होता है उसका उससे अलग से स्वाद नहीं होता है धूप में पकड़ा एक मैं पहले एक बार जयपुर रहता था जब एक वो मकान मालिक बनाता था जो धूप पे वो घास की बढ़ने में रख देता था और 10-15 दिन बढ़ने डेली धूप में रख देता था तो धूप में
लोग में बनाते हैं पता नहीं कैसे दोस्त नहीं बनाते हैं खराब हो जाता है इसको मंडा होनी चाहिए जो उसमें चीनी नहीं डाल के वो धूप गई 10-15 दिन कि वो हर साल वो बनाता बताया वो उसका क्या वो उसको बनाना आता था जो वो बनाता था हर साल वो किसी किसी को आता है ना तो बनाने वाले मैंने अपन ने नहीं बनाया तो अपन को तो क्या है थोड़ा अटपटा लगता है क्या पता कैसे बनेगा कैसा एक बात ये है कि मतलब इसको जो बनाने वाले होते हैं वो क्या करते हैं कि इसका टेस्ट सही होना चाहिए बस तो टेस्ट सही कैसे होता है इसका मतलब जैसे कई तो इसको मतलब मंदा देने के ऊपर वैसे पकाते हैं और जो अच्छी चीज जो बनती है ना वो बनती है दो सही है दूध में वो आंवला दूध खिलाते हैं तो वो ज्यादा पौष्टिक हो जाता है क्या करते हैं कि सवा महीने की उसको दूध खिलाते हैं तब जाकर के वो पक करके तैयार होता है और फिर वो एक तरह से बढ़िया दवाई बन जाती है नहीं सही है आंवले को तो क्या है आयुर्वेदिक में भी अमृत माना गया है आंवला सबसे अच्छा फल माना गया है जिसको फल भी मानते हैं सब सब्जी भी है तो क्या है हर तरह से उपयोगी है इसका तो चूर्ण भी बना के आप ले लो तो भी बढ़िया है चूर्ण तो बनता है नहीं आंवले का चूर्ण आता है पतंजलि का भी आता है बनता है चूर्ण तो चूर्ण भी बनता है च्यवनप्राश भी बनता है इसके तो 17 तरह की चीजें बन सकती है आंवले का वो बच्चों के लिए वो आंवला पाचक बनता है आंवला का मुरब्बा भी बनता है आंवले का मुरब्बा आंवले की चटनी चटनी भी बनाते बहुत से चटनी भी बनाते हैं और भी बहुत सी चीजें बना लेते हैं बनाने वाले बहुत बनती है और वो आंवले का वो ये चूरण वाली दुकान रहती ना तो वो करके उसको वो बना देते वो गोली टाइप आंवले की गोली हाँ तो ऐसे आंवला भी बढ़िया चीज है जी बहुत बढ़िया अमृत है एक तरह हाँ नहीं बढ़िया है आज आप तो घूमना फिरना भी हो गया आपका चलो तो भाई पास में था लेकिन चलो घर से तो निकल गए ना आठ दस दिन में गए हो ना आप मकान घर से तो बजा तो नहीं सही है हाँ वो हो जाता है आपका महीने में एक दो राउंड तो हो जाता है मैं आस पास के तो जाना पड़ ही जाता देखो आदमी को क्या और नहीं बढ़िया रहा बर्थडे भी मना लिया फिर कोई गिफ्ट भी लेके गए थे क्या कोई बच्चे के लिए कोई ड्रेस वगैरह लेके गए थे या कुछ नहीं वो ड्रेस मतलब हमारे ऐसा सिस्टम है कि जो मतलब परिवार वाले हैं वो खाली पैसे दे सकते हैं ड्रेस उनको नहीं जैसे खिलौना वगैरह तो ले जा सकते हो जैसे छोटा बच्चा है तो चलो उसके लिए अरे बहुत बढ़िया लिफाफे में रख के दे दो और क्या नहीं वैसे लिफाफे देते हैं बिना लिफाफे दे दो लिफाफे में दे दो हाँ अपने क्या होता है लिफाफे में क्या होता है अल्ट्रासाउंड हो जाते हैं इसको पता है किसने ज्यादा बढ़िया उसमें लिफाफे में अनकंटेबल जाते हैं और फिर ध्यान भी नहीं रहता किसने कितने दिए और वो साथ के साथ आंखों से देखेगा बेचारा कि कम से कम ये उन्होंने इतने दिए हमारे यहाँ तो ऐसा सिस्टम बना लिया आज कि भाई बच्चे के हाथ में पैसे दे
फिर बच्चे के सिर पे हार रख करके इसको आशीष दें। अरे बहुत बढ़िया सर, फोटो खींचा है फोटो तो करेगा आज का फोटो तो कैमरा वाले वाले को भी नहीं बुलाते आजकल तो मोबाइल में ही खींच लेते छोटे मोटे प्रोग्राम। फोटो खींच करके और उसका वीडियो बनाओ तो फिर कभी भी देखेगा तो ये कहेगा भाई हमारे दादाजी ने ये पैसे दिए इसने पैसे दिए ये आशीर्वाद दिया। यादाश्त भी रह जाती है और बच्चे को आशीर्वाद भी मिल जाता है, काम भी सही रहता है, बढ़िया बढ़िया रहता है। चलो प्रोग्राम के जितने पैसे अपन देते हैं सेफ उनके पास चला जाता है उसमें कोई दिक्कत नहीं आती साल तक। परिवार वाले सभी रहते हैं तो परिवार वालों को पता भी रहता है किसने क्या दिया है। कैमरे वाला तो रहता ही है सबकी फोटो खेते भी तो आने नहीं देता जैसे पैसे देते हुए भी एक फोटो तो पैसे देते हुए आशीर्वाद देते हैं तो वो फोटो में भी दिख जाता है 50 का नोट 100 का नोट। नहीं बहुत बढ़िया, नहीं बहुत बढ़िया। तो फिर और कोई आप तो मोटरसाइकिल पे गए तो कोई था थकान वाला तो काम था नहीं आपके कोई पास में था कोई प्रोग्राम था ये आधा एक किलोमीटर मानो एक किलोमीटर पड़ जाता है। एक किलोमीटर तो पड़ ही जाता है हमारा नहीं बढ़िया है। फिर कर करो आराम फिर और तो क्या है ना। ठीक ठीक है।